Hey, I'm kind of glad you didn't pick up. I kind of just called to hear your voice. I miss you. I've been thinking about you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा है आप सबकी जिंदगी में। और आज ना सामने खड़ी है बलिनो, बट जो इस बलिनो की खास बात है ना भाई, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है डीजल वाली और ना ये 2016 है, मतलब कि जब बस नई नई बलिनो आई थी ना। और ये ना जेटा मॉडल है भाई, टॉप से एक नीचे। और देख लो पहले तो, अब तो मतलब अब प्रेजेंट में तो जैसे प्रोजेक्टर लाइट्स वगैरह आती है ना, इसमें तो वो ये भाई हेलोजन बल्ब्स वगैरह आते हैं। और नीचे देख लो फोग लाइट है, मतलब इधर से लग रहा है कि फोग लाइट नहीं है। बट जो बैजिंग है ना भाई DDIS, मतलब इसमें कोई फेड का इंजन आता है भाई। 74 BHP, 190 Nm ऑफ टॉर्क मिल जाती है। और कलर भी आपको दिख ही रहा होगा, मतलब जब ये नया नया आया था ना, बहुत ही मतलब कि बलिनो में ना बहुत ज़्यादा ही चला था ये वाला कलर। और इधर से जो मैं नोट कर रहा हूँ ना भाई, अभी बलिनो में जो ये टिंट आती है, यही बहुत प्रीमियम सी लगती है। और बलिनो तो आपको बताए भाई अभी तक बहुत ज़्यादा चल रही है। अब तो भाई वो ये है कि कुछ दिनों में ना बलिनो 2022 भी आने वाली है। इधर आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है, बाहर तो यार हवा भी बहुत चल रही है। हम अंदर चलते हैं और अंदर से इंटीरियर की बात करें ना, अब वाली में तो वही है कि स्क्रीन भी मिल जाती है। इसमें तो वही है यार, स्क्रीन भी नहीं मिलती, बट इधर से सब सेम है, ऑटोमेटिक वही क्लाइमेट कंट्रोल। और इधर भी आपको क्लस्टर वगैरह भी सेम ही मिलता है, और इंजन स्टार्ट स्टॉप भी मिल जाता है। और ये है भाई बलिनो की चाबी। और अभी तो मतलब कि ओनर से मैं आपकी बात कराता हूँ, मतलब सीट कवर वगैरह भी मुझे लग नहीं रहे कि डलवाए हैं। और रियर स्पेस तो बलिनो का है ही भाई फेमस। और बाहर चलते हैं भाई, और अब मैं आपको मिलवाता हूँ बलिनो के ओनर से। कुंवर भाई हैं इस बलिनो के ओनर, इनका भी यूट्यूब चैनल है भाई द कार शो के नाम से। तो भाई क्या हाल है आपके? बढ़िया, आप बताओ। आप बताओ भाई कि बलिनो के बारे में थोड़ा, आप अपने चैनल पे सबकी कारों की इन्फॉर्मेशन देते हो, थोड़े अपनी कार के बारे में बताओ कि भाई क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक बलिनो का। अभी तक यार ये मैंने 90,000 किलोमीटर चला दिया, तो अभी तक तो मैं कोई भी दिक्कत इस कार से नहीं आई है। छह साल हो गए इस कार को पूरे। अच्छा, तो अभी तक एक्सपीरियंस अच्छा चल रहा है, बस एक बिल्ड क्वालिटी इसकी खराब है। वो तो मतलब इसका सारे कॉन्स वगैरह बोलते हैं, मतलब कि अब तो चलो पेट्रोल आती है भाई, मतलब डीजल में परफॉर्मेंस इसकी कैसी रहती है यार? डीजल में अच्छी है, मतलब एवरेज वगैरह अगर देखो तो 21-22 से कम कभी नहीं आई। अच्छा, और लाइक पावर वगैरह ठीक है, डिसेंट है। हाँ, 74 BHP, मतलब इतना स्लगिश तो नहीं फील होता होगा इसमें आपको? ऐसा कुछ नहीं लगता, मतलब ठीक है यार इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ना, मतलब ठीक रहती है। और ना पेट्रोल जो बलिनो होती है ना, उसमें लोगों को इश्यू आता है कि जैसे हम एसी ऑन करते हैं ना तो कार दब सी जाती है, इसमें ऐसा बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता आपको? अच्छा अच्छा, ये बात तो है। और मतलब कि यार अभी तक जैसे 2016 है, और मतलब बलिनो में लोग ऐसे ना मॉडिफिकेशंस करानी बहुत पसंद करते हैं, मतलब हमारी एज के तो खासकर। मैं देख रहा हूँ आपने ना स्टॉक रख रखी है कार। बिल्कुल स्टॉक है, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं चेंज कराया अभी। अच्छा, सारा कुछ जो कंपनी से आया था। हाँ, इसका कुछ रीजन? वैसे मेरे को स्टॉक ज्यादा पसंद है, मेरे को मॉडिफिकेशन आफ्टर मार्केट खास अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा, और सीट कवर्स भी नहीं डलवा रखे आपने शायद ना? बस इसका टाइम हो रहा है। अच्छा, सेल करने वाले हो? तो भाई अभी ना बलिनो 2022 आ रही है, अब वो लेने का प्लान है आपका? नहीं, अब नेक्स्ट प्लान है या तो मैं क्रेटा लूंगा या फिर वरना ऑटोमेटिक जो 22 में नया मॉडल आएगा। हाँ। अच्छा अच्छा, वरना या 2023 के स्टार्टिंग में कह रहे हैं ना वैसे तो, बाकी तो हाँ। अच्छा हाँ, तो वैसे अभी जैसे बलिनो 2022 आ रही है, उसके बारे में क्या राय है? इससे तो काफी अच्छी आ रही है, उसमें कह रहे हैं सेफ्टी वगैरह काफी इंप्रूव किया, जो कि इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट है। बहुत हल्के हैं इसके डोर्स वगैरह। अच्छा, जो 22 मॉडल आ रहा है उसके अंदर काफी कह रहे हैं कि अच्छा मेटल यूज किया, मतलब थिक मेटल यूज किया, जिसकी वजह से बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव की जाएगी। अच्छा, सिक्स एयरबैग्स वगैरह भी आ जाएंगे इसमें दो ही। बट वो ये कि उसका प्राइस भी अच्छा खासा इंक्रीज होगा, जो मुझे लग रहा है जो फीचर्स लिस्ट भी आई है ना, जैसे हेड्स अप डिस्प्ले 50,000 के आसपास तो इंक्रीज करेंगे। अच्छा अच्छा, ये बात तो है, मतलब कि वो ये कि जो भी मतलब बलिनो 2022 के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वो हेड्स अप डिस्प्ले वगैरह आ रहा है, कि फर्स्ट इन सेगमेंट आ रहा है, और इसका इंजन भी कह रहे हैं कि 1.5 हाइब्रिड आएगा पेट्रोल में। नहीं, इसमें 1.2 ही आएगा। अच्छा, बट पावर को इंक्रीज कर देंगे, अभी 83 आती है पेट्रोल में, अब अच्छा बस इतना ही फर्क करेंगे पावर में भी। अच्छा, टर्बो नहीं आएगा अभी तक तो नहीं, पहले का आता था ना बलिनो RS। अब अभी नहीं लगता यार, फिर तो क्या फायदा यार कि हाँ, मतलब 1.2 ही फिर तो, मतलब इस सेगमेंट में तो फिर पीछे तो रहेगी यार पावर में, अगर टर्बो नहीं हुआ ना इसमें। अगर इसमें बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव कर दो, एटलॉस और i20 दोनों से ज्यादा सेल फिर ले लेगी वो तो है। बट वो ये अगर बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, पावर थोड़ी बहुत इंक्रीज हो रही है, फिर वो पीछे तो फिर भी रह जाएगी ना चक्कर, तो ये बात तो है। मतलब कि मैंने तो कहीं पे पढ़ा था कि 1.5 हाइब्रिड आ रहा है, नहीं 1.5 आएगा नहीं इसमें, इसमें 1.2 ही आएगा, क्योंकि अच्छा। उसके अंदर होते हैं टैक्स के स्लैब्स होते हैं, 1.2 सफोमीटर अलग अलग स्लैब्स होते हैं। डीजल में 1.5 का होता है। अच्छा,
और पेट्रोल में 1.2 रहती है। अच्छा, तो टैक्स वगैरह से बचने के लिए कंपनी हां हां टैक्स का रहता है चक्कर। तो आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, मतलब कि क्या परफॉर्मेंस रहेगी नई वाली बलिनो की इस मार्केट में? तो अगर बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव कर देती है कंपनी तो एक आराम से काफी अच्छे सेल्स ले लेगी। अच्छा, 10-12 हजार मंथली बड़े आराम से अभी भी इसके हो ही रहे काफी अच्छे, 8-9 हजार बिकेगी। तो अगर बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो जाएगी तो और भी ज्यादा बिकेगी, और भी ज्यादा बिकेगी। और वो ये 23 फेब को आ रही है, फाइव नोट रूम है ना, 23 फेब को। वॉकराउंड वीडियो का उसका प्रॉपर मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। हाँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा भाई के चैनल का, आप वो भी देख लेना, मतलब कि बलिनो 2022 भी देखने वाली चीज होगी। और अभी तक तो वही बात है कि जैसे 2016 में भाई ने लिया, अब कह रहे हैं कि सेल करनी है, तो इसके पीछे ना कुछ रीजन तो होगा यार कि सेल क्यों करनी है आपने बलिनो? बस वैसे 5-6 साल हो गए, मन भर गया। अच्छा, अब जैसे 90,000 आपने चलाई है, कोई दिक्कत मतलब मेजर दिक्कत? कोई भी मेजर वगैरह कोई दिक्कत नहीं आई है इसमें। अच्छा, एक बार इसका म्यूजिक सिस्टम वगैरह मतलब सारा वो बंद हो गया था, वो इसका फ्यूज इसका बीच में खराब हुआ था, वो मेरी गलती से हुआ था। अच्छा, मतलब ये कार चलती है तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि इंजन ऑफ वाला बटन अगर प्रेस करते तो क्या होता है। तो क्लच दबाया हुआ था और कार चलती थी, मैंने वो बटन दबा के देखा, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, इसका फ्यूज अंदर वाला उड़ गया म्यूजिक सिस्टम वगैरह का। अच्छा, वारंटी में थी कार, फ्री में रिप्लेस। अब वारंटी से ही जैसे एक और बात दिमाग में आई है कि इसकी मेंटेनेंस वगैरह क्या पड़ती है? मेंटेनेंस यार इसकी मैंने दो सर्विसेज तो कराई थी के अंदर से। अच्छा, पहली जो थी उसका अराउंड 5,000 था और दूसरी जो थी उसका 10,000 के आसपास आया था जो शोरूम से हुई थी। अच्छा, उसका फिर मैंने 30,000 से बाहर ही कराई है सारी की। तो रीजन क्या यार बाहर से कराने का? अंदर 10,000 मेरे को बर्न नहीं लगा। अच्छा 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 अच्छा, मतलब ब्रेक पैड्स वगैरह चेंज वगैरह हुए। तो बाहर से कहाँ से कराते हो आप, मतलब कोई 48 की मार्केट? अच्छा, वैसे मतलब कि लोकल से? तो उधर से मतलब पे मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह सब के सब मैंने कार के अंदर ओरिजिनली डलवाए हैं। अच्छा अच्छा, उसके होते हैं सुजुकी के। अच्छा, वो सब ओरिजिनल डलवाने के बाद ही मतलब 3,500-4,000 इतने तक की आती है। अच्छा अच्छा, बट ना बात एक और आ जाती है, जैसे आप बलिनो ओनर हो, अब नई बलिनो आएगी तो एक मतलब इस दिमाग में है कि यार अगर अच्छी बलिनो आ गई नई वाली तो मैं वो ही लूँ, कुछ ऐसा है? नहीं, अब जो आएगी वो पेट्रोल आएगी और मैं पेट्रोल लेता ही नहीं, मतलब डीजल की कार में प्रेफर करता हूं। अच्छा, मतलब कि सीधा ही ना है भाई कि बलिनो 2022 को तो सीधा ना है क्योंकि पेट्रोल में आ रही है, सिर्फ और सिर्फ इसका यही रीजन है कि पेट्रोल में आ रही है। फिर भी नहीं लेता क्योंकि सेम कार। हाँ 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 हाँ, ये बात तो है, अपग्रेड करना चाहिए नो डाउट भाई। हाँ हाँ, ये बात तो है, और कंडीशन तो आप देख ही लो भाई, बिल्कुल ही मतलब कि नई की नई जैसी पड़ी है। इसका कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ आपने बाहर से चेंज चुंज ऐसा कोई सीन नहीं होता? हाँ, वो तो मतलब नॉर्मल चीज़ है, मतलब कि बिल्ड क्वालिटी कहीं पर टेस्ट तो नहीं हुई अभी तक। चलो यार, इस वीडियो को तो ना फिलहाल यहीं पर हम एंड करते हैं, और स्पेशल थैंक्स टू कुंवर भाई, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा बलिनो के साथ। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और भाई वेट रहेगी 2022 बलिनो कब आती है, देखते हैं क्या क्या फीचर्स आते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Even if things never go back to what we were, what I became so used to, what I thought would be forever.